उत्तर प्रदेश के बलिया में एक महिला और उसके दो बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। महिला के मऊ जिले में आशा कार्यकर्त्रियों ने सीएमओ कार्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्त्रियों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान सीएमओ कार्यालय में होने वाला काम पूरी तरीके से ठप हो गया। जब इस बात की जानकारी सीएमओ को हुई तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर आशा कार्यकर्त्रियों को समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। दरअसल आशा कार्यकर्त्री अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 25 तारीख से जिले के सीएमओ कार्यालय पर धरना दे रही हैं, जिसमें 2 मांगे शासन द्वारा पूरी होनी है और 3 मांगे जिले के सीएमओ द्वारा। इसी को लेकर आशा कार्यकर्त्रियों ने सीएमओ कार्यालय पर अपना धरना दे रही थी, लेकिन सीएमओ द्वारा इस पर कोई कार्रवाई न किए जाने से इनका सब्र का बांध टूट गया और सीएमओ कार्यालय का तालाबंदी कर जमकर प्रदर्शन करने लगी। हालांकि बाद में सीएमओ द्वारा किसी तरीके से आशा कार्यकर्ताओं को समझाकर उनकी मांग को शासन द्वारा पहुंचाने की बात कहकर उनको शांत कराया। वहीं इस मामले में आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जिले पर धरना दे रहे हैं, इसमें 2 सूत्री मांगे शासन द्वारा पूरी होनी है और 3 सूत्री मांगे सीएमओ स्तर से पूरी होनी थी। इसमें सीएमओ द्वारा 30 तारीख को हमारा मांग पत्र लिया गया और कहा गया कि 1 हफ्ते में हमारी मांगे पूरी की जाएगी। इसके बाद पीएसी और सीएसी के धरना पर बैठ गए और 3 दिन बाद सीएमओ द्वारा कहा गया कि हमने जो आदेश दिया था वह हम वापस लेते हैं। जिस तरीके से धरना चल रहा है उसी तरीके से चलता रहे, हम उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। वहीं चेतावनी दी गई कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन को तेज कर देंगे। हम लोग जो है 25 तारीख से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ जिले पे धरना की। 30 तारीख को 5 सूत्री मांग में से 2 सूत्री हमारी मांगे शासन से पूरी होनी थी और 3 सूत्री मांगे हमारी जो है सीएमओ साहब के स्तर से पूरी होनी थी। इन्होंने 30 तारीख को हमारा ज्ञापन लिया, मांग पत्र, और कहा कि हम आपकी 1 हफ्ते में 3 मांगे पूरी कर दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जो है पीएससी सीएससी पे धरना करके बैठ गई। तो इन्होंने आदेश भी किया, आदेश की कॉपी इसके पीछे मैं संलग्न की हूँ। आदेश किए पीएससी सीएससी पे कि मतलब आशा बहुओं की 3 मांगे ये हैं, आप इनकी मांगे पूरी करें। और 3 दिन बाद इन्होंने आदेश कर दिया कि हम अपना जो आदेश किए वो वापस लेते हैं, जिस तरह से चल रहा था उसी तरह आशा बहुओं की मांग हम नहीं पूरी करेंगे, चलने दीजिए। आपकी 2 सूत्री मांगे जो मुख्यमंत्री को प्रेषित थी वो क्या थी? वो हमें राज कर्मचारी घोषित किया जाए, 18,000 वेतन के साथ हमको नियमित किया जाए। ये 2 मांगे